इसलिए तेजस्वी नाम तेजस्वी, काम भी तेजस्वी का होगा, पूरे बिहार का भी तेजस्वी, पूरे बिहार में एक राउंड अगर और समय मिल गया तो बेरोजगारी समाप्त। मुरेठा बांध के खड़े हैं, नीतीश जी को उखाड़ फेंकेंगे तभी मुरेठा हटाएंगे। ये राज स्तर के हैं और नीतीश जी केंद्र सरकार के हैं, वो भारत लेवल के नेता हैं। इनमें और उनके उनमें आकाश पाताल का अंतर है, कोई तुलना नहीं है। आज जो नौकरी का बौछार हुआ है, ये जो तोहफा मिल रहा है नौजवानों में, ये बेमिसाल है। इसका कोई मिसाल नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है। आज ऐसा कभी नहीं हुआ, इन्होंने ऐसा काम किया जो सोचा नहीं होगा। हमको लगता है बिहार भर में शायद कोई गांव होगा जहां कोई नहीं नौकरी करता। युवाओं में जो ललक है इस सरकार के प्रति, वो मोहर मारकर बटन दबा कर हमकी बता देगा कि पूरे बिहार में हमकी सरकार बनेगी नीतीश जी और लालू जी का। अभी हम मोतिहारी जिला के कोटवा के डुमरा चौक पर हैं, पीछे हमारे देख सकते हैं कि तमाम तरह के आरजेडी समर्थक हैं। आखिर किस लिए खड़े हैं, हम बात करेंगे। आरजेडी की सरकार है और आरजेडी की सरकार पूरे भारत में डंका बजा चुकी है, जैसा कि आपको पता है कि एक आरजेडी नेताओं की तरफ से एक स्लोगन चल रहा है कि चट फॉर्म भरिए और पट नौकरी पाइए और झट से नियुक्ति पत्र भी पाइए। हमारे साथ मुखिया जी है, आरजेडी का सरकार चले जिस तरह से बिहार में नौकरी बड़ा अच्छे से दिया जा रहा है, बेरोजगारी को खत्म किया जा रहा है, क्या कहेंगे? हम इस पर तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इस सरकार को कि बहुत दिनों के बाद नहीं, ऐसा इतिहास ही बना है नौकरी के मामले में। अच्छा। हमको लगता है जितना युवा खुश है, पूरे बिहार के युवाओं में एक ऊर्जा आ गया है, वो अपने ऊर्जा का संचार आज इस माध्यम से दे रहा है कि जहां नौजवानों की आवश्यकता पड़ती है वहां पर एक लंबी कतार लग जाती है। और इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद हम देंगे कि उन्होंने ऐसा काम किया जो सोचा नहीं होगा। हमको लगता है बिहार भर में शायद कोई गाँव होगा जहाँ कोई नहीं नौकरी करता होगा। इतना नौकरी मिला है, सब किसी में खुशी का लहर। विपक्ष में जो है वो भी कहता है कि सरकार बहुत ज़्यादा नौकरी दिया, विपक्ष भी नतमस्तक हो गया इस सरकार के सामने। ऐसा इससे मैंने बहुत ज़्यादा संदेश मिल रहा है हर तरह से। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग देख रहे हैं कि युवाओं में जो ललक है इस सरकार के प्रति, वो मोहर मारकर बटन दबा कर हमकी बता देगा कि पूरे बिहार में हमकी सरकार बनेगी नीतीश जी और लालू जी का। प्रधानमंत्री नीतीश जी को बना दीजिएगा। देखिए इस पर तो सब कोई का पुरजोर फोकस है, पूरे देश में ही चर्चा है। अगर मोदी जी हैं तो यहाँ पर यही हो गए, नीतीश जी होंगे उनके उनसे फाइट करने के लिए, दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं होगा। नहीं, इतना योग्य इतना ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं है। अच्छा, पूरी ईमानदारी नीतीश कुमार बरतते हैं और ईमानदारी से नौकरी भी दे रहे हैं बिहार। हाँ, दे रहे हैं एकदम ईमानदारी से। मुखिया जी, बिहार को बीमारू राज का दर्जा दिया जाता, बीमारू राज का दर्जा इसीलिए क्योंकि यहाँ के जितने भी युवा होते थे, जितने भी रोजगार करने वाले जीविकोपार्जन करने वाले लोग होते थे, वो दूसरे प्रदेश में जाकर काम करते थे, जीविकोपार्जन चलाते थे। लेकिन अब बिहार के सरकार ही बिहार के लोगों को अच्छा रोजगार दे रही है। बीमारू राज और अब के राज में कितना अंतर समझते हैं? बहुत अंतर हो गया है। जैसे आज जो नौकरी का बौछार हुआ है, ये जो तोहफा मिल रहा है नौजवानों में, ये बेमिसाल है। इसका कोई मिसाल नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है। आज ऐसा कभी नहीं हुआ है, अभी जो हो रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ है। जितना नौजवान को नौकरी मिला है, एक जाकर कहाँ मार करेगा, ये आप समझिए, ये कहाँ मार करेगा। एक नौजवान कितने नौजवान को फीट करेगा, और उसके पीछे जो कतार में खड़ा है वो भी सोच रहा है कि इसके बाद अब हम लोग का बारी आएगा, इसलिए बारी का इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी कहते हैं नीतीश जी को हम मुरेठा बांध के खड़े हैं, नीतीश जी को उखाड़ फेंकेंगे तभी हम मुरेठा हटाएंगे। ये राज स्तर के हैं और नीतीश जी केंद्र सरकार के हैं, वो भारत लेवल के नेता हैं। इनमें और उनके उनमें आकाश पाताल का अंतर है, कोई तुलना नहीं है। तो कहते हैं कि आपा खो रहे हैं नीतीश जी। हम भी कह रहे हैं कुछ तो हम हो जाएंगे। कहने के लिए क्या है, हम लोग को फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है, मौलिक अधिकार है हम लोग को बोलने का, कुछ कहने का, उस पर बाउंड थोड़ा लगेगा। लेकिन देखिए पूरे बिहार के पैमाने पर नीतीश कुमार जी को कहीं अगर कोई छवि धूमिल हुआ हो, ऐसा बात नहीं है, कोई कहता है उसमें दाग नहीं है। वो ईमानदार व्यक्ति है, भारत का बागडोर अगर संभालेंगे तो जरूर भारत आगे बढ़ेगा। अच्छा, नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प आप लोग ले चुके हैं? ले चुके हैं, हम लोग अपना भरपूर ताकत लगा देंगे कि नीतीश जी एक बिहार से प्रधानमंत्री के रूप में जाकर बागडोर संभाले भारत। बिहार का बेटा इस बार देश का प्रधानमंत्री बनेगा? हाँ बनेगा। संकल्प ले लिया है हम लोग। और तेजस्वी यादव जो पूरे अपने नाम में तेजस्वी है, जिस तरह से बिहार को भी तेज बनाते जा रहे हैं, तेजस्वी यादव जी के लिए क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव तो उनमें जो परिपक्वता है, जो परिपक्वता उनमें है, माने दरअसल एक लड़का पूरे बिहार में
में विधानसभा का सबसे ज्यादा सीट लेकर आया कोनो मामूली बात है? उस समय लालू जी अंदर थे, एक तेजस्वी जी का हेलीकॉप्टर चलता था और पूरे बिहार में सबसे ज्यादा उन्हीं को सीट मिला। इसलिए तेजस्वी नाम तेजस्वी, काम भी तेजस्वी का होगा, पूरे बिहार को भी तेजस्वी। पूरे बिहार में एक राउंड अगर और समय मिल गया तो बेरोजगारी समाप्त, एक राउंड में और पूरे बिहार का बेरोजगारी समाप्त समाप्त हो जाएगा।